मॉर्निंग बोलो आप लोग, आज अपन बात करेंगे भौगोलिक तथ्यों में तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण। ये क्या होता है तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण, यानी अपन पढ़ते हैं कि सामान्यतः ये आपका जो वायुमंडल है इसमें सौ मंडल, समता मंडल, आयु मंडल, मध्य मंडल या तापमंडल होता है। तो जैसे जैसे अपन सामान्यतः ऊंचे पर जाते हैं तो ये तापमान में कमी आती है और इसी को अपन सामान्य ताप आर्द्रता कहते हैं, यानी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो वैसा का वैसा मान लो यार कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ये वाला स्थान जो ऊपर वाला स्थान है ना ये गर्म हो जाता है और यह वाला जो नीचे वाला स्थान है ये ठंडा हो जाता है। ये दोनों आपके ऊपर वाला स्थान है। तो जब ये इस प्रकार की स्थिति बन जाती है और ये स्थिति कहां कहां बनेगी इसी को अपन क्या कहते हैं तापीय विलोमता। ये स्थिति बनेगी वाताग्र, जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी, जहां पर गर्म और ठंडी पवने मिलेगी। और ये स्थिति बनती है आपके समताप मंडल में, यानी जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है तो वो ओजोन परत इसको अवशोषण कर लेती है। तो ऊपर वाली समताप वाली परत गर्म रहती है और नीचे वाली परत आपकी ठंडी रहती है। और पर्वतीय भागों में, पर्वत और घाटी के मध्य वाले जो भाग होते हैं वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। धन्यवाद।